इंडिया में पबजी बैन हो चुकी है और टेंसेंट और पबजी वालों ने डिसाइड किया है कि रैंगल 2.0 को अब लॉन्च कर देना चाहिए। काफ़ी टाइम लगा दिया इन लोगों ने, साल भर का टाइम लगाया है। इंटरफेस में टोटल 360 डिग्री चेंज किया है, जैसे देखने को आप देख सकते हैं सामने, जो CS:GO की तरह इसको टोटल एनिमेट मारा है, अप डाउन लेफ़्ट राइट चीज़ें स्वैप मार दी गई हैं। और स्पॉन आइलैंड भी काफ़ी अलग हो गया है, उसमें प्लेन्स की लोकेशंस, आसपास कुछ टावर्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं, स्काई काफ़ी रियलिस्टिक दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 हाइडआउट्स बताऊंगा और इरेंगल 2.0 में ऐसी 5 जगह जहां कैंपर्स वगैरह और रशर्स को थोड़ा ध्यान से जाना चाहिए। पहला है ये लेफ्ट हैंड साइड का ब्रिज के पास का ये घर। इस घर के सामने आपको आके ऐसा एक ये बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स को मतलब ऐसे दंदनाते मत घुस जाना इस घरों में, पहले चेक कर लेना। घर को पहचानना कैसे है? पहचानने के लिए ये है कि इन घरों के आसपास ये सॉलिड फुटवर्क्स हैं, ऐसा चबूतरा सा बनाया हुआ है आसपास, ठीक है। ये 2 एंट्री वाले घर हैं, इन घरों में एक एंट्री ये बाहर से है और दूसरा आपको ये सामने दिखाई देगी, ये छोटा सा एरिया। आप इसको फोड़ने के लिए कुछ नहीं, या तो इस पर फायर करो या फिर सर मारो, मुझे नहीं पता, ये खुल जाएगा। आप कूद जाओ, लेट जाओ, ठीक है, ऐसा करना मत, हो सकता है आपकी पेटी बना दे तब तक कोई आके। तो अंदर घुसते ही आपको ना सबसे पहले ये कुछ कमरेज दिखाई देंगे, हल्की फुल्की लूट पड़ी होगी नीचे, लेवल 2 की लूट मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेवल 3 का कुछ एक्सपेक्ट मत करना इस एरिया से, ठीक है। ये हैकर्स कैंपर्स और रशर्स के लिए बहुत सही जगह है। 2 एंट्री पॉइंट है, एक ये जहाँ से आप नीचे आए थे और दूसरा ये सामने आपको दिख रहा है। ये वही बॉक्स है जो शुरुआत में मैंने दिखाया था कि इसको चेक कर लेना, ऐसे ही दंदनाते मत आना अंदर। तो ये आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो या फिर वो अंदर वाला एरिया, दोनों तरफ से। इस घर को ध्यान से देख लो, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये घर ध्यान से देखो। इस घर में कभी रश करो आके, इस तरह के कोई भी घर आपको मैप पे और दिखते हैं तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं भी उनको विजिट करूँगा। दूसरा है ये आपका एक और घर है यहाँ पे, मेरे को दूसरा ही मिला ही है, 2 एंट्री वाला। दूसरा वाला घर इन लोग ने प्लांट किया है आपका र्यून्स में, र्यून्स के पास ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे 3 घर आते हैं, यहाँ पर स्नाइपिंग बहुत अच्छी होती है, पर पता नहीं क्यों यहाँ प्लांट मारा है इनने। जो दूसरा घर है इसके भी 2 एंट्री हैं, पहचानने का तरीका वही है, फुटवर्क्स हैं यहाँ साथ में, नीचे ऐसे चबूतरा सा बनाया हुआ है इनने, सॉलिड ग्राउंड। इसमें 2 एंट्री गेट्स हैं, एक चेक करने का वही तरीका, बाहर दोनों गेट्स बंद होने चाहिए, अंदर वाला आप चेक कर लो। आप चाहो तो इसे बॉम्ब से भी फोड़ सकते हो, देखो कैसे फोड़ना है, मैं फोड़ के बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लीड कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा पीछे हो जाना वरना डैमेज आपको आ सकता है। तो ये आपने बेस फोड़ा और नीचे आपको स्टेयर्स केस दिखाई देंगी, तो जाके नीचे चेक कर सकते हो आप, हल्की फुल्की लूट पड़ी होती हैं, लेवल 1 की वेस्ट वगैरह, और वही सेम बनाया हुआ है, डबल एंट्री है ये, एक सिंगल एंट्री वाले भी हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियोस में। ये रैंक पुशिंग के लिए बहुत सही जगह हैं, इसमें 2 एंट्री गेट्स हैं, एक यहाँ पर और दूसरा ये जिसमें आप अभी जहाँ से आपने एंटर की थी बॉम्ब फेंक के। तो ये बहुत रिजिड हैं, ऐसे एक दो फायर से ये नहीं जाएंगे, कई बार नेट भी फेंकोगे तो नहीं फूटेगा, जैसे मैंने नेट फेंका है यहाँ पे, ये बिल्कुल पोजीशन पे बैठा हुआ है उस वुडन प्लैंक के, बट वुडन प्लैंक कुछ नहीं हुआ है, नेट मेरा बेकार हो गया, मैं कुछ फायर करके देखूँगा तो ये ईज़िली ब्रोक हो जा रहा है। ये डबल दोनों साइड से फोड़ना इतना आसान नहीं है, मतलब आप यहाँ पर कवर इसका ले सकते हो बट ज़्यादा देर के लिए नहीं। फिर उसके बाद एक और एरिया है कमाशकी, जहाँ पे लोग उतरते हैं रैंक पुशिंग के लिए, तो मैं कमाशकी आ चुका हूँ, गाड़ी वाड़ी लेके आना अपनी, क्योंकि अगर गाड़ी नहीं लाए यार तो फिर भागते भागते जान निकल जाएगी, ठीक है। अब घर कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपको घर का बेस देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ सारे घरों का बेस देखता हुआ जा रहा हूँ, तो मेरे लेफ्ट में मोस्ट प्रोबेबली ये लेफ्ट वाला घर देखो, इस पर हल्का सा बेस है, मेरी गाड़ी ठुक गई है, देखता हूँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज है घर का, और नीचे बेसमेंट काफ़ी मतलब वही फुटवर्क सेम हो रखा है, गेट खुला हुआ था पहले से, तो मैं चेक करूँगा आसपास कोई है तो नहीं, मैं अभी अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। ये घर देख लो, यहाँ कमाशकी के सेंटर वाला फर्स्ट एरिया जो आता है कमाशकी का, वहाँ पर आपको ये फर्स्ट वाला घर ये सामने, इस एरिया में आपको कैंपिंग के लिए ये एरिया यूज़ करते हैं, रैंक पुशिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं, खासकर इस एरिया में आके हाइड हो जाते हैं।
तो अब और अच्छे से आइडियाज हो सकते हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री वाले बेसमेंट्स यहाँ पे इन लोग ने इरांगल 2.0 में लॉन्च कर दिए हैं। ये देखो यहाँ पे ये सीढ़ी वगैरह खुली है, कोई आ चुका है मेरे ख्याल से पहले, तो मैं देख के आऊँगा, ध्यान से देख के जाऊँगा। यहाँ नीचे दो कमरे हैं, एक ये रहा एक दूसरा ये कमरा भी है, और थोड़ी बहुत इन लोग ने हल्की फुल्की लूट पड़ी होती है, शॉट गन्स वगैरह पड़ी हैं। तो एक ये घर है, तो मतलब देख के घुसना, थोड़ी फ़ोटो वोटो लगाई है, मेमोरियल बनाया है कि पुराना एंगल ऐसा ही था। बाकी एक और एरिया है, ये टैंक्स वगैरह फेंक रखे हैं जगह जगह पे, आप इनके पीछे छुप के, ये सॉलिड हैं, आप इनके पीछे छुप सकते हो, ऐसे TPP लेके फायरिंग वगैरह कर सकते हो। एक और एरिया है यहाँ पे कमाश्की में, आगे वाला एरिया है, वहाँ पे एक और ये सिंगल एंट्री बेसमेंट है। तो मैं आसपास चेक कर रहा हूँ कि कोई है तो नहीं। तो अंदर आओगे तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे, ये देखो ये सील्ड हो रखा है पूरी तरह से, तो उसको फोड़ने का वही है, सर मार के देखना, फूटता तो ठीक है, नहीं फूटे तो फिर नेट वगैरह फेंक देना अगर लाए हो तो। सारी कूद फांद करने के बाद अगर आपको मन करे तो नेट, वैसे मैं लेके आता हूँ हमेशा अपने साथ, तो आप ऐसे नेट फेंक के या गन्स फायर करके आप देख सकते हैं। तो आप ऐसे नेट फेंक के दूसरे कमरे में भाग जाना, और फिर उसके बाद आपको स्टेयर के सिंगल एंट्री बेसमेंट दिखाई देगा, जिसमें कैंपिंग का कोई सीन नहीं है क्योंकि सील्ड था ये एरिया पूरा। बाकी कमाश्की जैसे एरियाज़ में अगर आप कैंप करते हो, रैंक पुशिंग कर रहे हो, तो ये बढ़िया हाइड आउट्स हैं छुटने के लिए।